हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी हम सुबह सुबह आपको एक खूबसूरत सा पार्क लेकर के आए हैं, जिस पार्क का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जिसे राजकीय उद्यान पार्क के भी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये प्रयागराज में पड़ता है और काफ़ी बड़ा भी है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पार्क में लोग सुबह सुबह व्यायाम करने के लिए और टहलने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा जगह है लोगों को अपना टाइम एक्सपेंड करने के लिए। पास में वो प्रयागराज का म्यूज़ियम है ये सामने, लेकिन इस वक्त अभी खुला नहीं है, तो आपको बाहर से आपको दिखा देते हैं। और काफ़ी रोचक है ये म्यूज़ियम, देखने लायक है, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक। और ये छोटा सा गार्डन बनाया गया है। ये इलाहाबाद संग्रहालय म्यूज़ियम है। चलते हैं आगे, गार्डन दिखाते हैं आपको पार्क का। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर व्यायाम कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ 100 पीस के पौधे लगाए हुए हैं जो देखने में काफ़ी अच्छी लग रहे हैं। हरा भरा गार्डन है, आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत है नज़ारा यहाँ का। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं और गेंद भी खेल रहे हैं। छोटा सा बच्चा है, फुटबॉल खेल रहा है। और आपको इस पार्क के अंदर जिम जैसे झूले का भी यहाँ पर बनाया गया है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और बहुत ही अच्छा पार्क है यहाँ का, देख सकते हैं आप लोग। और ये पार्क बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये पार्क, आप देख सकते हो। तो चलते हैं आगे, आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये प्रयागराज का लाइट एंड साउंड शो का है, ये टिकट मिलता है यहाँ पर। फिलहाल अभी नॉलेज तो है नहीं, तो चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको। और ये छड़ों के माध्यम से बनाया गया है जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हंस बनाया गया है और वहाँ पर व्यायाम कराया जा रहा है। और ये हाथी बनाया गया जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में।
फ्रेंड्स, ये सुबह के टाइम में कुछ बगुले यहाँ पर बैठे हुए हैं जो देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर हर जगह चारों तरफ आसन किया जा रहा है और एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, हर जगह आसन किया जा रहा है और ये कोप बनाया गया है, आप देख सकते हो। ये उद्यान चेतना केंद्र है और वो किला भी आपको दिखाई दे रहा है, म्यूजियम, और वहाँ पर व्हाइट कलर का किले नुमा कुछ बनाया गया है तो आपको नज़दीक से दिखाते हैं। हम फाइनली पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो काफी अच्छा सेल्फी पॉइंट है। और यहाँ पर तारों के माध्यम से बहुत ही बढ़िया बढ़िया आकृतियां बनाई गई हैं। ऊंट बनाया गया है, जिराफ बनाया गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये हिरन बनाया गया है और वो शायद गाय है। तो फ्रेंड्स, ये एक पक्षी है जो ग्लेशियर में पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में। इस पक्षी का नाम तो याद आ नहीं रहा है, लेकिन याद था लेकिन याद नहीं आ रहा है अभी। फ्रेंड्स, अभी बारिश होने लगा है तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त हम लोग करते हैं और आप लोगों को कुछ चीजें दिखा देते हैं। देख सकते हैं अभी हल्का हल्का बारिश हो रहा है, तो चलते हैं हम लोग, आज का ब्लॉग यहीं तक रहा। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए।